क्वेश्चन नंबर हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किए थे, कहाँ तक हो गए थे? किसी को याद है? मेरे ख्याल फिफ्टी टू से तक हो 52 गए थे। तक कर लिए थे हम लोगों ने। ओके, है ना। तो यस टॉपिक चल रहा है अपना इंटरेस्ट, सॉरी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, सर। जिसमें हम लोग 52 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। 53 से स्टार्ट करना है। चलिए हमें, है ना, 53 करने से पहले मैं अपन कुछ बात कर लेते हैं, आंसर भी निकाल लेते हैं हम लोग इसका। हमें क्वेश्चंस के अंदर प्रॉफिट परसेंट हो सकता है ऑन सेल्स गिवन हो, और प्रॉफिट परसेंट हो सकता है ऑन कॉस्ट कॉस्ट गिवन हो, है ना। तो प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो सेल्स पर भी अवेलेबल हो सकता है, और प्रॉफिट का परसेंटेज आपको कॉस्ट पर भी अवेलेबल हो सकता है। प्रॉफिट परसेंट सेल्स पर अवेलेबल है, इसका मतलब क्या है कि आप सेल को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट सेल्स पर है, दैट मींस आप प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स को जो भी परसेंटेज है उस परसेंटेज से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट पर गिवन है, तो इसका मतलब है कि आप कॉस्ट को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल्स गिवन है, इसका मतलब सेल्स को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है तब प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट पर है, इसका मतलब कॉस्ट को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है तब आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमारे सामने अलग अलग सिचुएशंस आ सकती हैं। क्या क्या सिचुएशंस आ सकती हैं? फर्स्ट कंडीशन, आपको सेल्स गिवन है, सपोज मान लेता हूँ सेल्स गिवन है 1 लाख। सेकेंड, मुझे जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो 20% ऑन सेल्स लिखा है। वो 20% ऑन क्या लिखा है? सेल्स लिखा है। तो मेरे पास सेल्स अवेलेबल है और परसेंटेज भी किस पे अवेलेबल है? सेल्स सेल्स पर है। तो मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ इजीली 1 लाख, और इसका 20%, तो मेरा 20,000 क्या हो जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। तो मेरे पास सेल्स अवेलेबल है और परसेंटेज भी किस पर है? सेल्स पर। तो मैंने सेल का 20% कैलकुलेट कर दिया, मेरा प्रॉफिट आ गया। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, मुझे क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है। सेकंड सिचुएशन, मुझे क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है 80,000, और प्रॉफिट परसेंट भी मुझे कॉस्ट पर ही गिवन है, 25% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट परसेंट गिवन है। तो मैं इजीली अपना प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। 25% किसका निकालने के लिए बोल रहा है? वो कॉस्ट का। तो कॉस्ट प्राइस है 80,000, इसका मुझे 25% निकालना है, यानी 20,000 मेरा प्रॉफिट आ गया। कॉस्ट अवेलेबल है, परसेंटेज भी किस पर है? कॉस्ट पर है। प्रीवियस में सेल्स गिवन है और परसेंटेज भी किस पर है? सेल्स पर है। तब तो आप इजीली प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कब अराइज होती है मेरे सामने? मेरे सामने प्रॉब्लम अराइज होगी जब मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या अवेलेबल है? सेल्स अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? सेल्स सेल्स अवेलेबल है, लेकिन प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो मुझे गिवन है 25% ऑन कॉस्ट गिवन है। तो क्या मैं 25% 1 लाख का निकाल दूं क्या?
125% अपॉन 125। हाँ चेंज करना पड़ेगा, वो ये भी सीख रहे हैं। अब नेक्स्ट इधर सेम सिचुएशन, इधर भी आपको क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉस्ट गिवन है, और आपको प्रॉफिट का परसेंटेज 25% ऑन किस पे दे दिया गया है, सेल्स पर। yes. तो क्या मैं 80,000 का 25% निकाल दूं क्या? No, sir. No, sir. नहीं निकालना। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो वैल्यू अवेलेबल है हमें परसेंटेज को उस पे चेंज करना पड़ेगा, यानी यहां पर मेरे पास सेल्स अवेलेबल है तो मुझे इस परसेंटेज को किस में चेंज करना पड़ेगा, sales. इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा किस पर, सेल्स पर चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे ये जो 25% कौन सी प्राइस पर दे रखा है, कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन मेरे पास सेल्स वैल्यू अवेलेबल है तो ये परसेंटेज भी मैं किस में चेंज करूंगा, पहले सेल्स पर चेंज करूंगा। ऐसे ही यहां पर मुझे कॉस्ट अवेलेबल है तो मुझे इस परसेंटेज को भी किस पर चेंज करना पड़ेगा, कॉस्ट पे, कॉस्ट पर चेंज करना पड़ेगा, तब मैं मल्टीप्लाई कर पाऊंगा 80,000 से, तब मैं मल्टीप्लाई कर पाऊंगा 1 लाख से। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. तो अब चेंज कैसे करना है वो सीख लेते हैं। चेंज कैसे किया जाता है, चेंज किया जाता है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट से सेल्स पर आना पड़ सकता है आपको, और हो सकता है आपको सेल से किस पर आना पड़ जाए, कॉस्ट पर आना पड़ जाए। दोनों ही सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है, ऑन कॉस्ट और हमें सेल पे अवेलेबल हो, और हमें किस पर आना हो, कॉस्ट पर। तो हो सकता है कॉस्ट से सेल की तरफ। हाँ कौन हर्ष बोलो। सर ये चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो की है। हाँ अकाउंटिंग रेशियो हर्ष सर, इसकी सर कुछ नोट भी थी ना सर, बुक नहीं है ये सर, क्या हर्ष सर इसकी बुक नहीं है सर, अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर बुक में नहीं है सर हमारी, है ना रेशियो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशियो के नाम से सब बुक में है यार, तुम्हारी बुक में क्यों नहीं होगा? वो वाली बुक नहीं है सर, एनसीईआरटी है बस। एनसीईआरटी में भी होगा ना हर्ष, सेकंड नंबर की एनसीईआरटी में होगा चैप्टर। यस हर्ष सभी बुकों में चैप्टर है, एनसीईआरटी है तो उसमें भी होगा, टीएस ग्रेवाल होगी उसमें भी होगा, है ना। टीएस ग्रेवाल की सर सेकंड पार्ट में है सर, हमारे पास फर्स्ट और थर्ड है सर। हाँ तो कोई बात नहीं, मैंने नोट्स भेज रखे हैं ग्रुप में, होना आप हर्ष क्वेश्चन भेजी थी, वो क्वेश्चन भी है ग्रुप में, आंसर भी है, थ्योरी भी है, और आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको वीडियो भी मिल जाएंगे हर्ष, सब चीजें मिल जाएंगी, आप चेक कीजिए एक बार ग्रुप में, आपको मिल जाएगा, है ना। हाँ चलिए, तो अभी प्रॉफिट का परसेंटेज आपको कॉस्ट पे दे रखा है तो सेल्स पे चेंज करना पड़ेगा, और मे बी सेल्स पे देना हो बस, कौन सी प्राइस आती है, सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस। तो जब हम कॉस्ट से सेल की तरफ जाएंगे, परसेंटेज दे दिया जाए 20%, तो 20/100, तो जब आप सेल की तरफ जाएंगे तो प्रॉफिट प्लस करते हैं, 20% प्रॉफिट है तो 20 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा रेट अपॉन 100 रेट। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, रेट पर 2/5, तो फिर उधर कितना हो जाएगा, 2/7। ये हम कॉस्ट से किस तरफ जा रहे हैं, सेल्स की तरफ जा रहे हैं तो प्लस कर रहे हैं। सिमिलरली यदि आपको सेल्स से कॉस्ट की तरफ आना पड़े तो क्या करेंगे, प्रॉफिट माइनस कर दें, सेल माइनस प्रॉफिट क्या आ जाती है आपकी, कॉस्ट प्राइस आती है, सेल माइनस प्रॉफिट करते हैं तो क्या जाती है आपकी, कॉस्ट प्राइस। तो जब सेल पे दे रखा है परसेंटेज और आपको कॉस्ट की तरफ आना पड़ जाए तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे रेट अपॉन 100 माइनस रेट। क्या यूज करेंगे, रेट अपॉन 100 माइनस रेट। तो कॉस्ट से सेल की तरफ जाएंगे तो प्रॉफिट प्लस करते हैं, इसलिए हम रेट को ऐड कर देंगे, सेल से कॉस्ट की तरफ आएंगे तो प्रॉफिट को माइनस करते हैं, तो हम रेट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे आपको सेल्स पे गिवन है 20%, तो इधर कितना हो जाएगा,
20 अपॉन 80। इधर आपको गिवन है 40%, तो इधर कितना हो जाएगा? 40 अपॉन 60। इधर आपको गिवन है 1/4, तो इधर कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। इधर आपको गिवन है 2/5, तो इधर कितना हो जाएगा? 2/3। तो ये परसेंटेज चेंज करना आ जाएगा आप लोगों को? कब करना है? हमेशा मत कर देना, ये बात ध्यान रखना। ये हमें चेंज तब करना है जब हमें कॉस्ट प्राइस गिवन हो, हमें कॉस्ट प्राइस गिवन हो और परसेंटेज किस पे गिवन हो? सेल्स पर। या हमें सेल प्राइस गिवन हो, सेल प्राइस गिवन हो और परसेंटेज किस पे गिवन हो? कॉस्ट पर। यानी दोनों अपोजिट हो तब आपको चेंज करना है। यदि आपको सेल्स गिवन है, परसेंटेज भी सेल्स पर है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधे मल्टीप्लाई कर दें। कॉस्ट गिवन है, परसेंटेज भी कॉस्ट पर है, सीधे मल्टीप्लाई कर दें, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक, चलिए तो हम क्वेश्चन करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 53। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इससे तो क्या आ जाएगी मेरी? एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स पता है मुझे, कितनी है सेल्स मेरी? 3 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब मेरी सेल्स 3 लाख। अब सेल्स 3 लाख है लेकिन परसेंटेज तो किस पे दे रखा है? कॉस्ट पे। कॉस्ट पे, तो क्या मैं 3 लाख का 20% निकाल दूं क्या? यस सर। कौन बोला? इतना समझाने के बाद भी यार, यस सर। सेल्स है, परसेंटेज किस पर है? कॉस्ट पर। तो सेल प्राइस है तो आपको इस कॉस्ट के परसेंट को किस पे चेंज करना पड़ेगा? सेल्स पर। और कॉस्ट में हम प्रॉफिट क्या करते हैं? प्लस करते हैं, तब कौन सी प्राइस आती है? सेल प्राइस। तो हम यहाँ पर 20% तो कॉस्ट पर प्रॉफिट है, सेल पे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 अपॉन 120। अब ये परसेंटेज सेल्स पे कन्वर्ट हो गया है, अब आप इसको सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। 50,000। तो आंसर कर देते हैं अपन इसको। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में निकालना है, जिसका हमारा फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख आपको गिवन है, इस 3 लाख का 20 अपॉन 120 करके प्रॉफिट निकालेंगे। 3 लाख माइनस 60,000 तो फिर क्या गड़बड़ हो गया? एक सेकेंड। 250, ठीक है, वही मिस्टेक हो रही है, करेक्ट कर लोगे इसको? यस सर। है ना, इसको करेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 50। और इधर कितना होगा अपने पास? 50 और 2,50,000 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अपन, और अब एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। एवरेज आ गया हमारा 40,000। और अब फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, 250 डिवाइड बाय 40,000 हमारा आंसर आ जाएगा 6.5 टाइम्स हो जाएगा। यस सर। यस सर। सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है, वो नेट ही है ना? हाँ नेट ही है ना, जब तक रिटर्न नहीं है इसका मतलब नेट ही होता है ना। नेक्स्ट 54। टू इयर्स की फिगर्स है अपने पास, 17, 18 और 19 की।
इन्वेंट्री 17-18 की कितनी है? 11 लाख है। ये तो क्लोजिंग है 31 मार्च की है तो, लेकिन रेशो निकालने के लिए तो आपको ओपनिंग भी चाहिए। तो हमें एक लाइन दे रखी है, इन द ईयर 17-18 इन्वेंट्री डिक्रीज बाय 3 लाख। 17-18 में आपका स्टॉक कितना डिक्रीज हो गया है? 3 लाख। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी होगी मेरी? 14 लाख। तो 14 लाख मेरा ओपनिंग स्टॉक होगा, 3 लाख कम हो गया, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया मेरा? 11 लाख। तो 3 लाख डिक्रीज है, तो अपन उसे ऐड करके ओपनिंग फाइंड करेंगे। आ जाएगा ये बात समझ में? हाँ, हमें मार्च का स्टॉक गिवन है, इसका मतलब ये कौन सा है? क्लोजिंग स्टॉक है 11 लाख। कौन सा स्टॉक है हमारे पास? मार्च का मतलब ये कौन सा है? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री है। हमें एक स्टेटमेंट गिवन है नीचे, इन द ईयर 17-18 इन्वेंट्री डिक्रीज बाय 3 लाख। 17-18 में हमारा स्टॉक कितना डिक्रीज हो गया है? 3 लाख डिक्रीज हो गया है। तो 3 लाख कम होने के बाद 11 लाख है, अभी कितना है? 11 लाख। और ये 11 लाख कब आया? जब हमारा स्टॉक 3 लाख क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया, उसके बाद 11 लाख है। तो इसके पहले स्टॉक कितना था हमारे पास? 14 लाख। तो ये 14 लाख हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री, इस साल 3 लाख कम हो गया, तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो गई? 11 लाख हो जाएगा। Yes, sir. तो ओपनिंग और क्लोजिंग यानी 14 और 11 को ऐड कर देंगे, 25 लाख डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो 12,50,000 आपके पास क्या आ जाएगी? इन्वेंट्री आ जाएगी, कौन सी? एवरेज हो जाएगा। Yes, sir. अब 18-19 का भी एवरेज निकालना है, तो 18-19 का क्लोजिंग तो है मेरे पास, लेकिन ओपनिंग तो नहीं है, ना कुछ बोला है उसने अपने को। सेवनटीन एटीन का जो क्लोजिंग है वो 18-19 के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा। तो 11 प्लस 15 यानी 26 लाख डिवाइड बाय 2 एवरेज आ जाएगा 13 लाख। आ जाएगा सबको करना? Yes, sir. अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता है, लेकिन परसेंटेज किस पर है? कॉस्ट पर। तो इस परसेंटेज को हमें कॉस्ट से सेल्स पर चेंज करना पड़ेगा। कॉस्ट पर 20%, तो सेल्स पर 20 अपॉन 20। तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इनको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20 अपॉन 100 से नहीं करेंगे, 120 से करेंगे। चलिए आंसर कर देते हैं अपन इसका। 54 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारा फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। 2 ईयर्स की फिगर्स हैं तो दोनों साल का निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालते हैं। पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी, पहले 17-18 का 75 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका प्रॉफिट निकालेंगे 20 अपॉन 120 करके, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 12,50,000। माइनस कर देंगे 62,50,000 17-18 की कॉस्ट। 18-19 की कॉस्ट निकालते हैं, 93,60,000 रेवेन्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। माइनस करेंगे इसका 20 अपॉन 120 करके प्रॉफिट निकालेंगे, 9360 माइनस 1560 78 लाख इस साल का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ गया। अब एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो 17-18 का ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग निकालते समय ध्यान रखना है कितना हो जाएगा? 14 लाख। 25 डिवाइड बाय 2 दैट मीन्स 12,50,000। 18-19 का इस साल का जो क्लोजिंग 11 लाख था वो अगले साल के लिए ओपनिंग हो जाएगा,
प्लस 15 डिवाइड बाय 2 दैट मीन्स 13 लाख। और अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1718 के कॉस्ट डिवाइड बाय 1718 का स्टॉक, 1819 के कॉस्ट डिवाइड बाय 1819 का स्टॉक, 6250 डिवाइड बाय 1250 आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स, देन 78 डिवाइड बाय 13 आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स, हो जाएगा? यस सर। यस सर। कंप्यूट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है आपको, परचेजेस गिवन है, वेजेस गिवन है, कैरिज इनवर्ड गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू तो है हमारे पास, निकालने की जरूरत ही नहीं है, 560,000। लेकिन एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों चाहिए होता है। ओपनिंग तो दे रखा है 75, क्लोजिंग नहीं है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फॉर्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इन्वेंट्री निकालेंगे फॉर्मूला। एक तो हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू चाहिए, वो है हमारे पास 560। इसके अलावा हमें चाहिए होता है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री तो है, लेकिन एवरेज निकालने के लिए क्या चाहिए? क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो जब तक वो नहीं निकलेगी तब तक तो हमारा आंसर नहीं आएगा, तो हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी पड़ेगी। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू के फॉर्मेशन निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री, वो है हमारे पास, परचेज वो भी है, प्लस वेजेस कैरिज डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो नहीं पता। लेकिन उसकी जगह क्या पता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू पता है। तो बैलेंस करके यहाँ से क्या निकाल लेंगे? क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का फॉर्मूला ही यूज करेंगे, इसी से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालेंगे। ओपनिंग प्लस परचेज प्लस वेजेस प्लस कैरिज माइनस क्लोजिंग, ये हमारा कॉस्ट का फॉर्मूला होता है। ओपनिंग पता है, परचेज पता है, वेजेस पता है, कैरिज पता है, क्लोजिंग नहीं पता, तो उसको एज इट इज छोड़ दिया। क्लोजिंग निकालने के लिए कितना हो जाएगा इनका टोटल? 660,000 माइनस, नहीं एक मिनट रुक जाओ, सिक्स कॉस्ट कितना? 560 ना, यहाँ पर इज इक्वल टू 5,60,000, ये अपन ने कॉस्ट की जगह लिख दिया। इज इक्वल टू 75 प्लस 440 प्लस 130 प्लस 15 माइनस क्लोजिंग। अब क्लोजिंग को इधर ले जाएं और इस 560 को इधर ले आएं, है ना? तो 560 किस में आ जाएगी? उधर आते ही माइनस में, तो माइनस 560 इज इक्वल टू 1,00,000 आ जाएगा। यस सर। 560 और उस तरफ का जब हम टोटल करेंगे और 15 माइनस करेंगे तो 660। क्लोजिंग इन्वेंट्री को मैं अपोजिट साइड लाया, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। 660 इस 560 को मैं उधर ले गया तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, तो मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 1,00,000। ओपनिंग पता है मेरे को, क्लोजिंग पता है मेरे को, ओपनिंग कितनी 75, क्लोजिंग कितनी 1,00,000। इनसे एवरेज आ जाएगी, क्या चाहिए? एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो 75 प्लस 1,00,000 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 87,500। और अब फॉर्मूला लगा दें अपन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, 560 डिवाइड बाय 87,500, 6.4 टाइम्स हो जाएगा। यस। नेक्स्ट, कर लीजिएगा, इसमें ओपनिंग स्टॉक फाइंड करना है, हो जाएगा। 57, 56 आप करिएगा, हो जाएगा। 57 सेल्स गिवन है 4,00,000,
एवरेज इन्वेंट्री गिवन है, लॉस दे रखा है, करवा नहीं रहा हूं मैं, क्या करेंगे, कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एवरेज इन्वेंट्री आपको दे ही रखा है, कर लेंगे ना? लॉस पे फॉर्मूला होता है हमारा रेवेन्यू प्लस लॉस, तो रेवेन्यू 4 लाख, लॉस 10% 40, तो 440 डिवाइड बाय 55 यानी 8 टाइम आपका आंसर आ जाएगा, कर लीजिएगा 58 कर लेते हैं। इसमें भी हमारे पास क्या अवेलेबल है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स अवेलेबल है 5 लाख, और लॉस गिवन है कितने परसेंट, 16% ऑन रेवेन्यू, मतलब सेल्स गिवन है और परसेंटेज भी सेल्स पर ही गिवन है, तो 5 लाख और उसका प्लस 5 लाख का 16% लॉस है तो प्लस कर देंगे 80,000, तो हमारे पास आ जाएगा 5,80,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख, लॉस का परसेंटेज है 16%, 5 लाख प्लस 80 कॉस्ट आ गया। कॉस्ट का फॉर्मूला होता है हमारा कॉस्ट इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस फ्राइट चार्जेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, कितनी है 560,000 है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए बोला है, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज गिवन है, फ्राइट चार्जेस गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, साथ में मिसलिनियस एक्सपेंसेस भी गिवन है, लेकिन मिसलिनियस एक्सपेंसेस आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इनको कंसिडर नहीं करेंगे। तो ओपनिंग इन्वेंट्री जो हमें फाइंड करनी है प्लस परचेज 5,60,000 प्लस फ्राइट चार्जेस 20,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 70,000, तो यहाँ से हम बैलेंसिंग फिगर से क्या फाइंड कर लेंगे अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री। वेजेस नहीं दे रखा था ना क्वेश्चन में, समझे? जब तक रिटर्न नहीं है तो जीरो, जीरो माइनस करेंगे तो वही क्या हो जाएगी आपकी नेट परचेज, है ना? इनवर्ड, जब तक कैरिज फ्राइड कार्टेज इनके आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती ये हमेशा इनवर्ड होते हैं, है ना? यस। तो ओपनिंग प्लस, हाँ बोलो सर, अगर सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट सपोज 10% दिया है तो उसे कॉस्ट पे लेंगे कि रेवेन्यू, सेल्स पर हमेशा, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा किस पर अर्न किया जाता है, सेल्स पर। तो जब तक आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि परसेंटेज किस पर है, कॉस्ट पे या सेल्स पर, तो वो हमेशा किस पर अवेलेबल होता है, सेल्स पर। अभी अपन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पर आएंगे, वहाँ सीखेंगे कि जीपी एनपी हमेशा किस पर निकाला जाता है, सेल्स पर निकाला जाता है। तो एक्टिविटी के बाद अपना टॉपिक आने वाला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें अपन जीपी रेशियो निकालना सीखेंगे, एनपी रेशियो निकालना सीखेंगे। तो ये जीपी एनपी हमेशा किस पर कैलकुलेट किया जाते हैं, सेल्स पर ही कैलकुलेट किए जाते हैं। हो जाएगा? Yes, sir. 59. फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सेल्स दे रखी 2 लाख, जीपी परसेंट दे रखा है 25%, लेकिन नहीं बताया कि ये कॉस्ट पर है या सेल्स पर है, तो किस पर होगा, सेल्स पे। और सेल्स तो आपके पास है ऑलरेडी, तो क्या चेंज करूं क्या मैं इस परसेंटेज को? सेल्स है और परसेंटेज भी सेल्स पर है, तो 2 लाख माइनस 25% मतलब 50,000, 1 लाख 50,000 क्या जाएगा मेरा,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. नेक्स्ट ओपनिंग इन्वेंट्री क्या लिखा है, 1/4 किसका, क्लोजिंग का. और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या लिखा है, 40% किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का. तो रेवेन्यू तो पता है मुझे कितना है, 2 लाख. चलिए आंसर कर देते हैं. पहले तो रेवेन्यू माइनस जीपी, रेवेन्यू दे रखा है 2 लाख और इसी का 25%, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, 25/100 करके ही प्रॉफिट निकालेंगे. कॉस्ट आ गई आपकी 150. क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए लिखा है 40%, क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए लिखा है 40% किसका, रेवेन्यू का. 2 लाख. तो 40% और रेवेन्यू कितना है हमारा, 2 लाख. 2 लाख का 40%, 80,000 क्लोजिंग आ गया. और ओपनिंग के लिए लिखा था 1/4, ओपनिंग के लिए क्या लिखा था, 1/4 किसका, क्लोजिंग का. 1/4 किसका, क्लोजिंग का. तो क्लोजिंग हमारा 80, इसका 1/4 20. ओपनिंग भी आ गया 20, क्लोजिंग भी आ गया 80, इससे एवरेज निकाल देंगे 50,000. 80 + 20/2, तो एवरेज आ जाएगा आपका 50,000 और 150/50 3 times आंसर आ जाएगा. हो जाएगा. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60. कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग. कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी क्रेडिट सेल्स 4 लाख, जीपी 25% किसका है, कॉस्ट का है. तो परसेंटेज को मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट से सेल्स पर चेंज करना पड़ेगा. कितने परसेंट है, 25% है, तो इधर आएगा तो 25/125. और सेल्स कितनी हो जाएंगी, 10 लाख. तो पहले अपन कॉस्ट निकाल लेते हैं अपनी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू माइनस जीपी, रेवेन्यू में कैश और क्रेडिट, टोटल हो गया 10 लाख. और 10 लाख का 25/125 जीपी, 10 - 2, 8 लाख आपका क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ गया. अब ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए लिखा है 10% किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. हाँ नहीं सानिया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10% किसका, कॉस्ट का 10% करना है. तो ओपनिंग के लिए करना है अपने को कॉस्ट का 10%. कॉस्ट कितनी आई अपनी, 8 लाख. इस 8 लाख का 10% करेंगे, 80,000. ये तो हो गया ओपनिंग. और क्लोजिंग के लिए हमें गिवन है, क्लोजिंग के लिए हमें गिवन है 3 times ऑफ ओपनिंग. क्लोजिंग के लिए क्या गिवन है, 3 times ऑफ ओपनिंग. तो ओपनिंग 80, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 240. अब इन दोनों से तो एवरेज आ जाएगा हमारे पास 240 + 80/2, यानी कि 1,60,000. और 8 लाख को फिर 160 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 times. ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 80 + 240 / 2, दैट मींस 160. और कॉस्ट डिवाइड बाय एवरेज मींस 8 लाख / 160, 5 times आपका आंसर हो जाएगा. यस सर. चलिए काफी है, इतने कंप्लीट करिए, नेक्स्ट फिर हम कल देखते हैं. कल करेंगे आगे हम. ओके सर. ठीक है. हम बोलो सानिया
समझे कि हमने टाइम्स ही यूज किया है कि टाइम्स मतलब हम अपनी कैपिटल को कितना रोटेट कर रहे हैं।